जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, मां काली, दक्षिण काली, कंकाली काली, शमशानी काली, दस महाविद्या और महादुर्गा, भैरव जी, काल भैरव, बटुक भैरव, क्रोध भैरव, कंकाल भैरव और विभिन्न मसान, ये सब शत्रु नाश करने का काम करते हैं, बशर्ते कि मनुष्य इनको पटा ले। ये सब उग्र शक्तियां हैं और हर मनुष्य के जीवन में शत्रु अवश्य होते हैं। किसी के शत्रु जो है 12-15 साल तक से चालू हो जाते हैं और किसी को जवानी में शत्रुता मिलती है तो जो भयंकर नुकसान करती है। किसी को प्रौढ़ अवस्था में मिलती है, किसी को वृद्धा अवस्था में शत्रुता मिलती है, उसकी वजह से तंत्र हो जाता है। शत्रु सामने से वार नहीं कर सकता, सामने से नहीं मार सकता, तो वो आपके ऊपर तंत्र विद्या कर देता है। वो तंत्र होता है ये मानना पड़ेगा और ईश्वर है ये भी मानना पड़ेगा। और मरने के बाद मनुष्य की आत्मा कहां जाती है ये आप सोचो, और आत्मा कहां से आती है ये सोचो, तो समझ में आएगा कि ईश्वर होता है। इसी प्रकार तंत्र भी होता है। तो हमारे ट्रस्ट के द्वारा तंत्र से शत्रु नाश कैसे करें, इसके बहुत से तरीके, टोने टोटके, विधान और मंत्र सब दिए हुए हैं। यदि आप शमशान काली मां की स्तुति भी बोलने लगोगे रोजाना 11 बार, तो भी आपके शत्रु नाश हो जाएंगे, आपको कुछ टोना टोटका करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस जिस के मनुष्य के जीवन में तंत्र से बहुत परेशान है या शत्रु से बहुत परेशान है, आप उन शत्रुओं को दूर कर सकते हो, उन शत्रुओं का नाश भी कर सकते हो, उन शत्रुओं को मार भी सकते हो, बशर्ते कि आप धार लो मन के अंदर, आपकी विल पावर में धार लो कि मुझे शत्रु को मारना, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, या अपनी पति की जिंदगी बर्बाद कर दी, या पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरा व्यवसाय नहीं चलने दिया, इसने हमारी प्रगति को रोक दिया, इसने हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। तो यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो हमारे द्वारा किताब लिखी गई है तंत्र से शत्रु नाश कैसे करें। यह किताब आप मंगा सकते हो। इस किताब में शत्रुओं को दूर करने से संबंधित चीज भी हमने लिखी है। शत्रु को हटाना या मारना जब क्रिया करते हैं तो कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ता है, वो नियम भी हमने इसमें लिखे हुए हैं। और उसके बावजूद भी, किताब खरीदने के बाद भी यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712, ये दो नंबर हैं, इन पे व्हाट्सएप पे संदेश देकर के आप उस किताब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो किताब खरीदने के बाद। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं बताएगा, किताब बेच देगा बुक सेलर, तो जहां से आप किताब खरीदोगे वो किताब बेच देगा, वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, आप लेखक से बात करो, राइटर से बात करो। देव राधा ट्रस्ट धर्म से संबंधित जो किताबें आप हमसे प्राप्त करते हो, यदि उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, आपको अवश्य समय आने पर उचित जवाब दिया जाएगा। तो तंत्र से शत्रु नाश कैसे करें, इस किताब के अंदर हमने नाश करने के नियम लिखे हैं कि आपको पहले क्या करना है,
और फिर भी समझ में नहीं आए और आपको यदि डर लगता हो कि नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, शंका मत रखना। तो आप हमसे प्रशिक्षण लेने के लिए भी आ सकते हो कि अपने शत्रुओं को कैसे दूर करें। हम आपको तंत्र के माध्यम से शत्रुओं को कैसे हटाओ, तंत्र के माध्यम से शत्रुओं पर कैसे वार करना, वो भी हम आपको सिखाएंगे। पर इसके लिए आपको हमारे यहां पे आकर के रेसिडेंशियल कोर्स चलता है, उस कोर्स में शामिल होना पड़ेगा तो हम आपको ये विद्या सिखा सकते हैं। उग्र नक्षत्र कौन कौन से होते हैं जिसमें यह तंत्र से शत्रु नाश को मारने का काम किया जाता है, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, किस जगह पूजा पाठ करना चाहिए, हर कहीं पे तंत्र से शत्रु नाश करने के लिए हर कहीं पूजा पाठ नहीं की जा सकती, किस जगह पूजा पाठ करना चाहिए, कहां पर हवन करना चाहिए, कितना हवन करना चाहिए, किस वस्तु से हवन करना चाहिए, यह भी इस किताब में हमने लिखा। मतलब पूरा विधान आपको इस किताब में प्राप्त होगा। और यह क्रिया करने के पहले आप अपने शरीर का बंधन कैसे करोगे, अपने जिस आसन पे बैठे हो उस आसन का भी बंधन कैसे करोगे, और यदि आप शमशान में जाकर के यज्ञ करने में इंटरेस्टेड हो तो शमशान में जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, क्या सामान लेकर के जाना चाहिए, कौन सी रक्षा लेकर के जाना चाहिए ताकि आत्मा के ऊपर दूसरी शक्तियों का प्रभाव न पड़े, और क्रिया करने के बाद में आपको कौन सा प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, क्योंकि किसी को तंत्र से मारना, तंत्र से हटाना, तंत्र से दूर करना, तो प्रायश्चित कर्म तो करना पड़ेगा। तो कौन सा प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, यह हमने इस किताब में लिखा हुआ है। भैरव जी किस प्रकार से इसमें आपका सहयोग करेंगे, शमशान कालिका, मसान कालिका, कंकाली कालिका, दक्षिण कालिका, मां बगलामुखी या भैरवी, पाताल भैरवी आपकी इस काम में किस प्रकार से मदद करेगी, मां धूमावती के माध्यम से उनका अनुष्ठान करके आप कैसे शत्रुओं का नाश कर सकते हो, और मां धूमावती का अनुष्ठान कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए ताकि शत्रु नाश हो जाए या दूर हो जाए, इसी प्रकार से मां बगलामुखी का अनुष्ठान कैसे करें, कहां पे जब करना चाहिए, कौन सा सामान लगेगा, मेन चीज है पूजा में सामान, वो सामान की सूची भी दी हुई है, इसमें मारण प्रयोग भी है, मूठ चलाने के मंत्र भी है, पूरा विधान लिखा हुआ। मैं फिर बोल रहा हूं यदि सबको समझ में नहीं आए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं किताब खरीदने के बाद। यक्षिणियों के माध्यम से आप कैसे शत्रुओं को दूर कर सकते हैं, और अपना कवच कैसे आपको खुद को तैयार करना है, महानवान मंत्र के माध्यम से आप शत्रुओं को कैसे दूर कर सकते हो, हनुमान जी के मंत्रों से हनुमान जी की पूजा करके आप कैसे शत्रुओं को दूर कर सकते हो, मां चंडी और चामुंडा मां से आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो शत्रुओं को दूर करने के लिए, महाकाल भैरव और महाविकराल भैरव, मां कामाख्या मां, महादुर्गा मां, कंकाल भैरव, इनके माध्यम से आप शत्रुओं को कैसे दूर कर सकते हो, यह इस किताब में हमने लिखा हुआ है। पूजा करते हैं भैरव जी की, काली मां की, तो कौन कौन सा सामान लगता है, कौन सा सामान ले जाना चाहिए, किस समय पे जाना चाहिए, किस नक्षत्र में जाना चाहिए, कितने व्यक्ति जा सकते हैं, ये सब चीज हमने इसमें लिखा है। प्रत्यंगिरा के माध्यम से, मां प्रत्यंगिरा के माध्यम से शत्रु नाश कैसे करेंगे, वीर जो होते हैं शमशान में मसान में, उन वीरों के माध्यम से आप कैसे शत्रुओं को दूर कर सकते हो, रुद्र चंडी का प्रयोग करके शत्रुओं को कैसे दूर कर सकते हो, बहुत से स्तुतियां इसमें हमने दी है, शमशान काली की स्तुति दी है, काली हृदय स्त्रोत दिया है, और विभिन्न भैरव जी के नाम दिए हैं जिनके माध्यम से ये होता है, और शमशान में जाके शत्रुओं के लिए कौन कौन सा टोना टोटका करना पड़ता है। यदि आपको शमशान जाने पर डर लगता है तो कोई बात नहीं, आप तिराहे पर भी जाके एक टोना टोटका कर सकते हो शत्रुओं को दूर करने का,
पुलिया के नीचे बैठ करके पूजा पाठ कर सकते हो, एकांत स्थान में बैठ करके कर सकते हो, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके कर सकते हो, नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके काम कर सकते हो, बबूल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ये शत्रु मारण प्रयोग किया जा सकता है। तो कैसे करना है, कब करना है, ये सब इस किताब में दिया हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है तो उसको कैसे काटा जाए, उसके भी कुछ मंत्र हमने इसमें डाले हैं। और क्या स्त्रियां भी शत्रुनाशक यज्ञ कर सकती है, इसके बारे में भी बताया है। और इसमें बहुत से आपके प्रश्न, जो शंका समाधान जिसको बोलना चाहिए, वो प्रश्न का उत्तर भी हमने इसमें लिखा है। तो आप चाहें तो ये किताब प्राप्त कर सकते हैं, बहुत विशेष किताब है। आज तक किसी भी लेखक ने इस प्रकार की किताब नहीं लिखी है, और न ही वो अपना रहस्य आपको बताने वाला है कि एक तांत्रिक शत्रुओं को कैसे हटाता है, अपने शत्रुओं को कैसे हटाता है, और दूसरे जो व्यक्ति उनके पास आते हैं, उनके खास शिष्य गण होते हैं, उनके शत्रुओं को कैसे दूर करता है, वो विधान भी हमने यहां बताया। क्योंकि हम ये चाहते हैं हर व्यक्ति शत्रु मुक्त हो जाए, और शत्रु की वजह से यदि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो तो आपको पूरा पूरा हक बनता है कि आप जिस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी बर्बाद की है उसको भी आप बर्बाद कर सको। तो हवन सामग्री के अंदर शमशान की राख, शमशान की हड्डी, कोयला, कफन का कपड़ा, शमशान जिसमें बैठा करके ले जाते हैं, लीटा करके ले जाते हैं, बांस, उसके कुछ भाग लगते हैं और उनका प्रयोग लगता है, खून भी लगता है, बलि भी देना होती है कभी कभी कहीं कहीं पर, और कहीं पर काम होने के बाद देना होती है। तो कौन से किस किस को किसकी बलि लगती है वो भी हमने इसमें लिखा है। और आप सबको मालूम है 64 योगिनियां होती है, ये 64 योगिनियां भी शत्रु को दूर करने का काम करती है। तो कौन सी योगिनी कौन सा काम करेगी वो भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है, क्योंकि आपको योगिनी के माध्यम से भी काम करवाना पड़ेगा। फिर एक और जो सबसे बहुत ही अधिकतर लोगों को छोड़ी जाती है वो है आसो मेहरानी माँ, चौगान वाली माँ भी बोलते हैं कुछ लोग इनको। तो ये माँ का मंत्र भी इसमें दिए हैं, और कोई व्यक्ति चाहे कि इसके इनके संबंध में हम जो को विशेष ज्ञान चाहिए तो व्यक्तिगत आकर के मिल सकता है। तो ये किताब पूर्ण रूप से, केवल पूर्ण रूप से शत्रुओं को दूर करने और शत्रु को हटाने और शत्रुओं के ऊपर अपना वार करने के लिए किताब लिखी गई है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे माम रक्ष रक्ष शत्रुं भंजे भंजे फैम होम फट स्वाहा। तो अधिकतर मंत्रों में फट शब्दों का प्रयोग होता है इन मंत्रों में। इसमें कुछ कुछ हमने मारण प्रयोग में शाबर मंत्र भी दिए गए हैं, शीतला माता के मंत्र भी हैं, तो आपको वो मंत्र भी प्राप्त हो जाएंगे। हवन पूर्ण होने के बाद आपको क्या करना है, और यदि काम हो जाता है तो उसके बाद जिस शक्ति ने काम किया उसको धन्यवाद स्वरूप आपको क्या भेंट देना है। वीर भी अलग अलग प्रकार के वीर होते हैं, तो दोनों के वीर मतलब कच्चे मसान के और पक्के मसान के, दोनों वीरों के नाम भी इसमें हमने दिए हैं। अघोरेश्वर महाराज जो शमशान में रहते हैं, जो हेड होते हैं, वो भी उनका भी प्रयोग कैसे किया जाए वो भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शत्रुओं से लड़ना चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते हो। शत्रु को आप भगवान पे छोड़ देते हो कि इसने जो किया इसका कर्म इसके साथ, तो किताब खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शत्रु ने अपना काम कर दिया, अब ईश्वर देख रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने ऐसा उसके ऊपर किया होगा तो इस जन्म में उसने कर दिया, या ये भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर कर रहा है तो अब उसको सजा देना भी जरूरी होता है। तो आप चाहें तो ये किताब खरीद सकते हैं। डम 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 रू की गूंज पर हर हर महादेव के उद्घोष पर
अमावस्या की काली घनघोर रात में रण तांडव महाविकराल तांडव प्रलय तांडव, जब रोम 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 रौद्र भीषण विकट अट्टहास होता है, मरघट वाली माई कालिका तेरी सत्ता में मरा मुर्दा भी चर चरा कर मरघट में ठम 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 बोल उठता है। जय काली, ठम काली, होम काली, क्रोम काली, फट काली, क्राम क्रीम क्रुम क्रोध मूर्ति काली, काल काली, मुख सिंदल लोल जिह्वा वाली मरघट वाली माई, क्या तेरी सत्ता में शिव को चिता भस्म लगा रहा हूं। तो इस प्रकार से चिता भस्म का भी, चिता भस्म से भी शत्रुओं का नाश होता है। चिता में से हड्डी निकाल करके उस हड्डी से भी शत्रुओं का नाश होता है। चौकी शमशान से कैसे भेजें, वो भी इस किताब के अंदर हमने लिखी है। तो आप चाहें तो अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए स्वयं इस किताब को पढ़ें और फिर सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। अभी दिवस का पहर शेष है, राग द्वेष मन भरा कलेश है, उर के अंधवीवर में अभी सुलग रही भीषण कामाग्नि, मेरे अंतर का दावा नल ढल जाने दे, अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। मोह पाश में बंधा हुआ मन, काम पिपासा में झगड़ा मन, अग्नि शिखा का आलिंगन पाकर शायद तप बन जाए, कुंदन बूंद बूंद गल रहा दर्प ये गल जाने दे, अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। कौन है अपना कौन पराया, ब्रह्म बोध ये किसने पाया, उत्सव बना आदमी जब भी निज मंथन वह कब कर पाया। छलता है दृष्ट रात जो, छलता है दृष्ट राष्ट्र जो, छल का जाल जाने दे, अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। रिश्ते नाते खूब निभाए, गीत खुशी के जी भर गाए, भूल गया मैं चकाचौंध में हर हद से बढ़ते अपने साए लील रहे हैं। अस्तित्व जो पल वो टाल जाने दे, अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। जीवन एक अबुज पहेली, सुख दुख इसकी सखी सहेली, दुख धीरज की अग्नि परीक्षा, सुख बालू से भरी हथेली, व्यर्थ गणित क्या खोया क्या पाया, चल जाने दे अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। भस्म पे माना हक है तेरा, जग यह सारा रेन बसेरा, जीवन पथ पर जीता है डेरा, जाने कब फिर लगेगा फेरा, शिकन यथावत विकट भाल के बल जाने दे, अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। कल जब फिर सारे आएंगे, फूल अस्थियां चुन जाएंगे, साथ गई तो होगी यादें, और उन्हें हम अपना क्या दें, शेष नहीं अब सफर खत्म, पर कल जाने दे अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। मृत्यु गीत अंतिम हस्ताक्षर, सीख सखान ढाई अक्षर, जर जर काया मन अकुलाया, पीड़ा का बाजार सजाया, कड़ी धूप में लिए पीठ पर जल जाने दे, अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। मैं माटी का फूल नया, मैं माटी का फूल नया, जीवन पाऊंगा भस्मी भूत हो वातायन पर छा जाऊंगा, एक नया संकल्प लिए मैं, नई रोशनी शंखनाद नव युग का करते फिर आऊंगा, कटु सत्य है बहुत खलेगा कल जाने दे, अघोरी चिता तनिक जल जाने दे। तो चिता जलने के बाद, चिता का जितना भी सामान होता है,
हड्डियां, फूल जिसको बोला जाता है, कोयले होते हैं, अधजली लकड़ी भी हो सकती है, हड्डियां भी हो सकती है। यह सब चीज शत्रुओं को मारण प्रयोग करने में काम आती है। शत्रुओं को कैसे बर्बाद करना, वो भी इस चिता की राख से ही होता है। तो आप जब चाहे तब किताब कुछ मात्रा में ही उपलब्ध है। जब भी आपकी इच्छा हो किताब को मंगा सकते हैं। जब भी आपका मन चेतन हो जाए, मन बोलने लग जाए कि हां अब मुझे शत्रुओं को दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी शत्रु बहुत बाहुबली होता है, धन से, बल से, परिवार से, समाज से, हर प्रकार से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार से आपसे कई गुना सक्षम होता है, तो वह अन्याय करता है। अब उस अन्याय से निपटने के लिए आपके पास धन राशि नहीं है, उस अन्याय से निपटने के लिए आपके पास बाहुबल नहीं है, उस अन्याय से निपटने के लिए आपके पास राजनीतिक रसूख नहीं है, तो आप शत्रु को कैसे मारोगे? अरे शत्रु एक्सीडेंट में एक साथ कैसे मरेगा, उसका परिवार वाला कैसे लकवा लग करके मरेगा, कैसे कोई उसकी हत्या कर सकता है, कैसे वो बिस्तर पे पड़ के बीमार पड़ के मर सकता है? ये सब चीज आपको इस किताब से प्राप्त हो सकती है। ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव, काल भैरव हुकुम हाजिर करे, जहां को भेजू वहां को जाए, फूल में भेजू फूल में जाए, मांस मछली को छुवत जाए, अपना मारा आप ही खाए, चार चौमुखा दिया बाती जा, मेरे दुश्मन की छाती, सोता हो तुम्हारे, जगता हो तुम्हारे, बैठा हो तुम्हारे, चलता हो तुम्हारे, मेरा शत्रु तेरा भक्षण, तीन पहर कलेजा चखन, मेरा शत्रु का तू मांस खाए कलेजा खाए, मेरे शत्रु का तू लहू पिए प्यास बुझाए, मेरे शत्रु को तू तड़पा तड़पा करके मारे, व्याघ्र ले भैरव मेरे शत्रु को भक्ष ले, सर्प ले भैरव मेरे शत्रु को डस ले, खड़ग ले भैरव मेरे शत्रु को काट दे, त्रिशूल ले भैरव मेरे शत्रु का तू कलेजा फाड़ दे, मेरे शत्रु को न मारे तो माता पार्वती के सिंदूर की आन है, माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े, माता काली की शैया पग पर पग धरे, वचन जो चूके तो समुद्र सूखे, वाचा छोड़ कुवाचा करे तो धोबी की नाद में पड़े, चमार के कुंड में पड़े, ईश्वर महादेव की आन है, रामचंद्र हनुमान की आन है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो इस प्रकार के जो मंत्र बोले जाते हैं, ये मंत्र यदि बार 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 आप बोलने लगोगे तो आपके शत्रु निश्चित तौर से खत्म हो जाएंगे। अब क्यों खत्म होते वो कारण भी आपको बता देता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि हम जैसे विचार उत्पन्न करते हैं वैसा क्रिया होने लगती है, इसीलिए कहते पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचो, धनात्मक सोचो, सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक सोच मत रखो। तो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि यदि व्यक्ति नकारात्मक सोचेगा तो सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता है और वह आत्महत्या कर लेता है या फिर उसका नुकसान होने लगता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ईश्वर भी कहता है कि तू जैसा सोचता है मैं तेरे को वैसा ही बना देता हूं। तो यदि आप ऐसा मंत्र बार 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 बोलने लगोगे तो निश्चित तौर से आपके शरीर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके शरीर से कंपन उत्पन्न होगी, बार बार बोलने पर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगेंगे, यानी आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। और जब आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी तो निश्चित तौर से आपके शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा से शत्रु का नाश होगा ही होगा। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। किसी भी योगी से पूछ लो, किसी भी अघोरी से पूछ लो, किसी भी साधना करने वाले से पूछ लो, किसी भी साधक मनुष्य से पूछ लो, वो एक साधक मनुष्य बार बार एक ही मंत्र का जप क्यों करता है? क्योंकि वो मंत्र उसके शरीर में, उसके रग रग में, उसके खून में चला जाए, रच बस जाए, ताकि वो जिसका मंत्र है वो शक्ति उसके साथ एसोसिएट हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए,
इसलिए एक साधक मनुष्य बार बार अपने इष्ट का, जिसकी सिद्धि चाहिए, उसी का मंत्र का जप करता रहता है 12-15 घंटे, तो उसका मन, उसकी आत्मा, उसके शरीर से वैसी ही कंपन उत्पन्न होती जैसे वो मंत्र जप करता है और उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप ये शत्रु मारण का मंत्र जो बोलना चालू कर दोगे विधि विधान से, तो आपके शत्रु निश्चित तौर से नेस्ता नाबूत हो जाएंगे। अब आपकी इच्छा, मैंने अपना धर्म निभा दिया कि यदि कोई मनुष्य शत्रु से पीड़ित है तो ये किताब प्राप्त कर सकता है। अब आपकी इच्छा। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, शत्रुनाशिनी, सर्वशत्रुनाशिनी, सर्वशत्रु घातिनी, सर्वदुष्ट नाशिनी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्य परांबा, निर्गुण अविनाशी, सात सात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी, कल्याणकायिनी महामाया, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। हम तो ऐसी ही प्रार्थना मां के चरणों में रोजाना आप सबके लिए करते हैं और हम अपने लिए भी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ दों शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति आप शांति, ओषधयः शांति, शांति सा वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु।